हेलो एवरीवन, ये वेडियो क्लास टू के लिए है, सब्जेक्ट है साइंस। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप्टर फिफ्थ को स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था बोन्स एंड मसल्स, और चैप्टर हमारा फाइव था। हम लोगों ने बोन्स और जॉइंट के बारे में पढ़ लिया था कि कहाँ कहाँ कौन से जॉइंट होते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया था। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तो बोन्स और जॉइंट पढ़ लिया था, अब जो मसल्स पढ़ना है, मेन टॉपिक मसल्स है। देखिए, बोन्स आर कवर्ड विद सॉफ्ट पार्ट कॉल्ड मसल। देखिए, आपकी जितने भी हड्डियां हैं ना, वो एक सॉफ्ट चीज से ढकी हुई होती हैं, सारी हड्डियां, उसे मसल्स कहते हैं। मसल्स आर फाउंड बिलो द स्किन, और वो स्किन के नीचे पाई जाती हैं मसल्स। जैसे आपका जो आप जो अपने हाथ को टच करते हो, जो आपके हाथ में टच हो रहा है, वो आपका स्किन है। जब स्किन को आप प्रेस करते हो, जो प्रेस हो रहा है अंदर, वो आपका मसल्स है, और मसल्स के बाद हड्डियां होती हैं। देर आर मोर देन 600 मसल्स, और कह रहा है कि आपके पूरे शरीर में 600 मसल्स होती हैं। और बॉडी मसल्स हेल्प अस टू कीप द बोन्स, कह रहा है कि मसल्स हेल्प करता है बोन्स को सुरक्षित रहने में, रखने में। बोन्स एंड मसल्स ऑफ द लेग हेल्प अस टू वॉक, डांस, जंप। देखिए, जो कह रहा है कि जो हड्डियां होती हैं पैर की, वो हमें हेल्प करती हैं चलने में, दौड़ने में, जंप करने में। बोन्स ऑफ द मसल्स एंड आर्म हेल्प इज टू होल्ड कैरी थिंग्स, कह रहा है कि जो हाथों के मसल्स होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं किसी चीज को उठाने में, या किसी चीज को रखने में, पुल या पुश करने में। बोन्स एंड मसल्स हेल्प टूगेदर हेल्प इज टू वॉक, प्ले, राइट एंड रन, कह रहा है कि जो हाथों और पैरों की हड्डियां जो होती है, वो साथ हड्डियां और मांस मिलकर हमें सारे चीज करने में मदद करती है। जैसे हम लोग को चलना है, हमारे बोन्स और जो मसल्स हैं पैर के, उसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं। अगर हम लोग को अपनी गर्दन को हिलाना है, इधर से किसी भी डायरेक्शन में हिलाना है, लेफ्ट या राइट या सीधे, तो हमारा बोन्स और मसल्स हेल्प कर रहे हैं। हम लोग अगर बोल भी रहे हैं, तो हमारे मसल्स ही हेल्प कर रहे हैं। हम लोग अपनी बॉडी में जितने भी काम करते हैं, वो ऑल इन ऑल द हेल्प विद द हेल्प ऑफ बोन्स और मसल्स ही होता है। फॉर दिस वी नीड स्ट्रांग बोन्स एंड मसल्स, इसलिए हमें स्ट्रांग बोन्स और मसल्स की आवश्यकता होती है। फिर देखिए, टू मेक बोन्स स्ट्रांग, आप अपने बोन्स को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो। टू मेक द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग, वी मस्ट ईट हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज डेली, कह रहा है कि अगर हमें हमारी हड्डियों को स्ट्रांग और मजबूत बनाना है, तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब देखिए, पॉस्चर कह रहा है, पॉस्चर मतलब होता है उठने का तरीका, बैठने का तरीका, सही जो वे होता है बैठने का तरीका, लेटने का तरीका, उसे वो कहते हैं पॉस्चर, बॉडी पॉस्चर। अब देखिए, द पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन वी सिट और स्टैंड और वॉक इज कॉल्ड पॉस्चर, कह रहे हैं कि शरीर की वो अवस्था जिसमें हम लोग बैठते हैं, चलते हैं या सोते हैं, उस चीज को हम लोग पॉस्चर बोलते हैं। वी नीड कीप आवर पॉस्चर स्ट्रेट वाइल स्टैंडिंग एंड सिटिंग, कह रहे हैं कि हमें जरूरत होती है, हमें जरूरत हमेशा रखना चाहिए कि हम लोग जब बैठे हों या खड़े हों, तो हमारे जो कमर वाला पोर्शन है, पीठ वाला पोर्शन है, हमें सीधा रहे, मीन्स स्ट्रेट रहे। वी शुड वॉक इन अपराइट पोस्चर, हमें हमेशा सीधे चलना चाहिए। प्रैक्टिस टू सिट करेक्ट पोस्चर इन द क्लासरूम एट होम, क्या रहा है कि और आप लोग ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप लोग घर में भी बैठो तो एक सही पोस्चर में बैठो। देखिए, एक लड़की बैठी हुई चेयर पर, देखिए इसकी जो कमर वाला पोर्शन और पीठ वाला पोर्शन एकदम सीधा है। हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो झुका कर बैठते हैं कमर को, तो ये नहीं बैठना चाहिए। ऐसे अगर आप लोग अभी से बैठते रहोगे, तो कुछ साल आने के बाद आपकी हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी। आप कितना भी सीधा करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। पर देखिए, जो लड़की एकदम सीधी खड़ी है, तो वैसे ही हम लोग को खड़े होकर चलना चाहिए। इसी के साथ आपका चैप्टर कम्प्लीट होता है। कल के वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट देख लेंगे, और आई थिंक आपका इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक तक आपके हाफ ऑफ द सिलेबस कम्प्लीट हो जाएंगे।